नमस्कार दोस्तों मैं राज तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज हम बात करने वाले हैं हिंदुत्व के पर्याय तिलक की कि हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में तिलक का क्या महत्व है तिलक कितने प्रकार के होते हैं तिलक को शरीर के किन किन स्थानों पर लगाया जा सकता है तिलक किन किन चीज़ों का लगाया जा सकता है यानी ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनका उपयोग हम तिलक के रूप में कर सकते हैं और तिलक का वैज्ञानिक धार्मिक ज्योतिषीय और आध्यात्मिक क्या महत्व है या उसके क्या फ़ायदे हैं इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे वैसे तो शास्त्रों में या पुराणों में कुल मिला के प्रकार के तिलक का वर्णन किया गया है लेकिन हमारे जो समाज है उसमें मुख्य तरह चार या पाँच तिलक के ही का ही ज़्यादा उपयोग हम करते हैं और इनको हम हमारे शरीर के बारह भागों में लगाते हैं या बारह जगह हम इस तिलक को लगा सकते हैं मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ पर आप तिलक लगा सकते हैं या साधु संत कहाँ कहाँ पर तिलक लगाते हैं तो ये हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एवन और ट्वेल्व ये बारह जगह तिलक लगाया जाता है इसका मतलब मस्तिष्क पर ललाट पर बाजू पर हस्तमूल पर कंठ पर हृदय पर और नाभि पर और पसलियों में इस टाइप से बारह जगहों पर आप तिलक लगा सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके वैज्ञानिक महत्व की या वैज्ञानिकता की क्योंकि आज का जो युग है वो वैज्ञानिक दृष्टि से ज़्यादा देखता हर चीज़ को तो इसलिए मैं पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आपको बताता हूँ तिलक लगाने से सेराटोनिन और बीटा इंडोरफिन नामक जो रसायन है इसका संतुलन मस्तिष्क में होता है और इस वजह से हमारा मस्तिष्क अच्छे से कार्य करता है इसी वजह से हमारी दिमाग की मेघा शक्ति मतलब जिसको हम इंटेलिजेंसी लेवल बोलते हैं वो बढ़ता है दिमाग की थकावट नहीं होती मानसिक थकावट नहीं होती और किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हमें इस वजह से नहीं होती अगर हम तिलक लगाते हैं तो इन दोनों रसायन की कमी के कारण या दोनों रसायन के असंतुलन के कारण हमारे दिमाग में उदासीनता और निराशा के भाव पनपने लगते हैं तो ये तो हुआ इसका वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक महत्व अब हम जानते हैं इसका धार्मिक आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व क्योंकि तिलक दोनों भावों के बीच में यानी कि इस जगह पर लगाया जाता है इस जो जगह है पीनियल ग्रंथि की तिलक लगाने से पीनियल ग्रंथि जो होती है वो एक्टिवेट होती है जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो जगह है जहाँ पर तिलक लगाया जाता है वो जगह है आज्ञा चक्र की जो हमारे शरीर में सात चक्र होते हैं उसमें से एक चक्र होता है आज्ञा चक्र तो ये तिलक जो लगाया जाता है वो आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया जाता है और जब हम अंगूठे से जब उसके पे दबाव डालते हैं तो आज्ञा चक्र इससे मजबूत होता है एक्टिवेट होता है और उससे हमारे दिमाग की फंक्शनल अच्छा होने लगता है तिलक लगाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होता है जिससे उसके आत्मबल और आत्मविश्वास में भरपूर इजाफा होता है अब हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों से तिलक लगाया जा सकता है यानी ऐसी कौन कौन से रसायन या ऐसे कौन कौन सी वस्तुएँ हैं जिनका हम तिलक लगा सकते हैं तो जब भी तिलक की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है चंदन का तो चंद पहला हुआ चंदन का तिलक अब चंदन का तिलक लगाने से क्या फ़ायदा होता है चंदन का तिलक लगाने वाले व्यक्ति के पापों का नाश होता है ऐसे लोगों पर लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है चंदन का तिलक लगाने से जो ज्ञान तंतु होते हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा तो चंदन का तिलक दिमाग में ताजगी बनाए रखता है दूसरा नाम आता है कुमकुम का जो व्यक्ति कुमकुम का तिलक लगाता है उस वो तेजस्वी होता है तेजवान होता है उसका तेज हमेशा बढ़ता रहता है जो व्यक्ति कुमकुम का तिलक लगाता है केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों तथा सदाचार की भावना बढ़ती रहती है केसर का तिलक लगाने वाले व्यक्तियों का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और उसके भाग्य में भी वृद्धि होती है अगला नाम आता है हल्दी का तो हल्दी का तिलक लगाने से त्वचा निरोगी रहती है त्वचा में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है और साथ में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है अगला नाम है दही का यह थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा दही दही से भी तिलक लगाया जा सकता है तो दही का तिलक लगा लगाने से आपके चंद्र बल बढ़ता है यानी आपके जो चंद्रमा की कोई भी परेशानी है उससे दूर हो जाती है और साथ ही मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है अगला नाम आता है इत्र का यह भी आपने पहली बार सुना होगा इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है इसका मतलब ये कि उसके शुक्र की प्रॉब्लम अगर किसी प्रकार की है यानी शुक्र ग्रह उससे मजबूत होता है और साथ ही मन मस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता बनी रहती है फिर नाम आता है भस्म का भस्म का तिलक बैरागी की तरफ इंसान को अग्रसर करता है यानी जो लोग भस्म का तिलक लगाते हैं वो बैरागी की तरफ चले जाते हैं भस्म का तिलक अक्सर साधु संत और तांत्रिक लोग लगाते हैं और लास्ट है गोपी चंदन इन सभी चंदनों में या इन सभी तिलक में सबसे अच्छा या सबसे पवित्र तिलक जो माना जाता है वो गोपी चंदन का माना जाता है पुराणों में ऐसी मान्यता है कि गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ही ब्राह्मण से लेकर चंडल तक पवित्र हो जाते हैं इसलिए गोपी चंदन को सबसे उत्तम तिलक के रूप में माना जाता है आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि तिलक किस उंगली से लगाने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है कि कौन सी उंगली से किस देवता को तिलक लगाना चाहिए किस इंसान को तिलक लगाना चाहिए इसके बाद राशि अनुसार कौन से वस्तु का तिलक आपको सूट करेगा या आपके राशि के अनुसार कौन सा तिलक आपको लगाना चाहिए कौन से ग्रह की शांति के लिए कौन से तत्व का या कौन सी वस्तु का तिलक आपको करना चाहिए और साथ ही आपके प्रोफेशन के हिसाब से जो भी आपका प्रोफेशन है उसके हिसाब से आपको कौन सा तिलक लगाना चाहिए इन सभी के बारे में हम अगले हमारे अगले पार्ट में चर्चा करेंगे तो देखना बिल्कुल न भूलें मिलते हैं हम इसी के अगले एपिसोड में तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश जय हिंद